वेलकम फ्रेंड्स अगेन टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अगेन वी विल हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी सो आई होप यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो आई नो दैट यस्टरडे एग्जाम वॉज ओवर स्टिल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड अवर एम इज अवर लास्ट एग्जाम सो आई थिंक टुडेज लेक्चर यू मस्ट यूटिलाइज फॉर योर प्रैक्टिस सो विल स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस सेशन So first of all, let me tell you, you got the sheet named 15 June. तो उस sheet में 108 number का problem, first problem आपको दिया है, just check that. Okay, problem क्या दिया है बेटा? In the given circuit, the voltmeter records 5 volt. In the given circuit, the voltmeter records 5 volt. Let me check. Marker voltmeter records 5 volt the resistance of the voltmeter in ohm is actually voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series in the circuit So ideally if you'll go for ammeter, if it is in series, its resistance is ideally zero, but practically not zero, very less. And for voltmeter, it is, as it is connected in parallel, it should be ideally infinite, but it is not so, it is higher value. So here it is given that value of this resistance is 100 ohm and this is 50 ohm. And this is 10 volt. So, ये 5 दिया है आपको V is equal to 5 volt. तो बेटा पहले हम क्या करते हैं यहाँ से कितना करंट जा रहा है वो निकालना पड़ेगा तो इसीलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ यहाँ पे जो बाकी की रेजिस्टेंस दिया है ये 50 ओम है ये 10 वोल्ट है अगर ये 5 वोल्ट है तो ये पूरा ये 5 वोल्ट बन जाएगा बेटा ये भी कितना बन जाएगा 5 वोल्ट बन जाएगा अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी कितना बन जाएगा 5 वोल्ट और यहाँ से करंट कौन सा जाएगा जो करंट यहाँ से जाएगा आई वो करंट जाएगा यहाँ से आई वन यहाँ से आई टू और फिर से मिल के यहाँ पर ये आई बन जाएगा सॉरी नॉट आई वन आई बन जाएगा तो आई का वैल्यू कैसे मिलेगा आपका वी अपॉन आर इक्विवेलेंट बट यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने का जरूरत नहीं है वी दिया है आपको या 50 भी दिया है तो वी कितना है आपका फाइव अपॉन 50 दैट इज 0.1 एम्पियर ओके वैसे ही यहाँ पे कितना होगा सो टोटल करंट इज 0.1 एंड आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू तो आई टू निकालो भी आई टू कितना हो जाएगा आई टू इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 1 बाय 20 ओके सो इसको 0.1 नहीं 1 बाय 10 लिखते हैं 1 बाय 10 एम्पीयर सो आई वन कितना आएगा आई माइनस आई टू सो 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20 सो वन गैट 2 बाई 20 माइनस 1 बाई 20 सो 1 बाई 20 सो आई वन कितना बन गया आई वन ऑल्सो 1 बाई 20 अगर आपको आई वन 1 बाई 20 मिल गया वी 5 वोल्ट है तो आर निकाल सकते हैं इसको बोलता हूँ मैं आर तो वी इज इक्वल टू आई वन इंटू आर आई वन कितना 1 बाई 20 इंटू आर इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है 5 सो आर विल बी 25 जा 100 So value of R will be 100 ohm. The resistance of the voltmeter will come out to be 100 ohm. Let me check whether the option is there. B option is there. So that option is correct. So you may note down that. We'll go for the next problem. Next problem mein aapko kya diya hai? Problem number 2. वन जीरो नाइन
PDF. इसमें क्या है, इन द सर्किट शोन ए एंड वी आर आइडियली एमिटर एंड वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ओके. यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना दिया है 1 ओहम, यहाँ पे दिया है 1 ओहम, यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पे दिया है वी. तो आपको निकालना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. ओके, क्वेश्चन क्या है आपको, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो ठीक है, एकदम सिंपल है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, ये 2 वोल्ट दिया है बराबर, ये आइडियल दिया है, आइडियल बराबर ना. अगर आइडियल दिया है तो आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, है ना बेटा. तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो, अभी एज एमिटर इज आइडियल इट्स आर विल बी 0. तो इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ. अगर इसको मैं शॉर्ट किया तो ये, इसको x बोलो और y बोलो, ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस x और y क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा. R 0 है तो IR इज इक्वल टू V, I इंटू R ये आएगा 0 आएगा, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आपका आएगा 0. तो ये देखो, अभी करने का ही ज़रूरत नहीं आपको, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा आपका 0 आएगा. तो ये ध्यान में रखो, ये लिख के ले लो. ओके, ये कितना था आपका 109. ओके, अभी देखो 113. ओके, ये हो गया आपका. ओके, विल गो फर्दर. प्रॉब्लम 3, 113 PDF. ये अभी आपको ऐसा एक आर दिया है, ये दिया है 80 ओम, इसको दिया है आर, और वायर ए बी दिया है. वायर कौन सा दिया है, ए बी दिया है. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया है आपको, और ये दिया है सी, और नीचे दिया आपको बैटरी. अभी क्या क्या दिया है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ए बी, ए बी क्या है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का वायर है. गैल्वेनोमीटर जी शोज नो करंट, सो जी डिफ्लेक्शन 0 आएगा, मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख के लेते हैं, आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 80 अपॉन बी सी. अभी क्या पूछा है, वेन द लेंथ ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 20 सेंटीमीटर एंड बी सी 80 सेंटीमीटर, तो वो लिखने का ज़रूरत ही नहीं, ए सी अगर 20 तो बी सी 80 सेंटीमीटर हो ही जाएगा. तो अभी अपन को निकालना है आर का वैल्यू. तो एकदम सिंपल है, ये करने का भी ज़रूरत नहीं. आर इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई ए सी अपॉन बी सी, सो 80 इंटू 20 अपॉन 80, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 20 ओम. ये है आपका मीटर ब्रिज, डिस्टेंस मीटर ब्रिज का एग्जाम्पल. तो लेट मी चेक इधर ऑप्शन इज देयर, या ऑप्शन इज सी. सो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये हो गया आपका प्रॉब्लम 3. ओके, सो नाउ अभी प्रॉब्लम 4 बनाते हैं. प्रॉब्लम 4 में आपका क्या आएगा, प्रॉब्लम 4 में आएगा 114 PDF. इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर, इट इज फाउंड दैट बैलेंस पॉइंट इज एट लेंथ 2 मीटर
when cell is shunted by 5 ohm resistance. So L2 लिखना है. L1 अपना without shunting. Without shunting वो जितना था वो आपका L1 आएगा. मतलब वो shunt करने से पहले आपने जो E1 निकालते ना, E1 by 2 के लिए कैसे निकालते थे, एक सेल पोटेंशियोमीटर में डालो, बाद में दूसरा डालो और दोनों भी टाइम को बैलेंसिंग लेंथ मेजर करो, तो वो L1 हो जाएगा आपका. ये दिया है, ये आपको दिया है L2 दिया है. तो L2 कितना दिया है, बैलेंस पॉइंट एट लेंथ 2 मीटर. स्मॉल R कितना दिया है, R दिया है शंटेड ना, कैपिटल R दिया है 5 ओम. And is at length 3 meter, L3 is equal to, when the cell is shunted by 10 ohm resistance. कितना दिया है? 10 ohm. तो अपना formula क्या है बेटा? एकदम simple है. R is equal to L1 upon L2 minus 1 into R. Okay. इसको बोलता हूँ L2 डैश, इसको बोलता हूँ R डैश. तो पहली केस में क्या मिलेगा, केस वन क्या मिलेगा मेरे को, केस वन में मिलेगा R तो कांस्टेंट रहेगा, कौन सा भी है सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है उसका. तो वो दोनों भी टाइम आप R लिखना है उसको. पहली केस में R कितना बन जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, ये जो हमने निकाला तो वो मिलेगा. केस टू क्या मिल जाएगा आपको, केस टू मिल जाएगा R इज इक्वल टू L1 तो वो कॉमन रहेगा, अपॉन L2 डैश माइनस 1 इंटू R डैश. तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेट करो. इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, इक्वेटिंग 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 डैश माइनस 1 इंटू R डैश. इसमें से अभी आपको क्या क्या दिया है उसका वैल्यू डालो. सो L1 बाय 2 माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू L1 बाय L2 डैश कितना दिया आपको, 3 माइनस 1 इंटू 10. तो इसे स्प्लिट करते हैं इसको, ये कितना हुआ, 5L1 अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 10L1 अपॉन 3 माइनस 10. तो कितना हो गया, 5L1 माइनस 10 इज इक्वल टू 10L1 माइनस 13. तो 10 में से 5 इसको इधर हटाओ और माइनस 30 को इधर प्लस करो, तो 10L1 माइनस 5L1 इधर किया इज इक्वल टू 30 माइनस 10. 10 में से 5 चला गया, 5L1 इज इक्वल टू 20. सो L1 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आपको L1 मिल गया 4 सेंटीमीटर, तो आप R निकाल सकते हो. नाउ R इज इक्वल टू, ये डालो इधर, 4 बाय 2 माइनस 1 इंटू 5, ये वैल्यू डालो मैंने इधर. सो 2 माइनस 1 इंटू 5, 4 बाय 2 2, 2 माइनस 1 1, सो ये आएगा 5 ओहम. 5 ओहम विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. ओके, अरे यार व्हाई दिस इज नॉट कमिंग, क्या मैंने इधर गलत किया कुछ, आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग. 5L1 अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 10L1 अपॉन 3 माइनस 10. तो 5L1 माइनस, अरे हाँ इधर ये नहीं किया मैंने, सॉरी कैलकुलेशन में यहाँ पे डायरेक्टली इधर 2 नहीं किया और इधर 3 नहीं किया, वही बोल रहा हूँ. ठीक है हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, L1 माइनस 30 इज इक्वल टू 20L1 माइनस 60. अभी करते हैं, 20 में से 15 चला गया 5L1, हाँ, और यहाँ पे 60 में से 30 आएगा. सो L1 कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 6 बाय 2 मतलब 3, 3 माइनस 1 मतलब 5 टू ज़ा 10 आएगा. 10 हो, लेट मी चेक इट,
Yes, 10 ohm is there. So now let's go for next problem. So our next problem is aapka problem number 5. A resistance of 4 ohm and a wire of length 5 meter and resistance of 5 ohm are joined in series and connected to a cell of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. A parallel combination of two identical cells is balanced across 3 meter of the wire, the EMF E of each cell. ठीक है, तो मैं थोड़ा फिगर में थोड़ा चेंज करता हूँ. जहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस से दिखाता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगा. आपके डायग्राम में वो दिखाया नहीं है, मैं इधर दिखाता हूँ उसको. इसको बोलते हैं 10 वोल्ट और इसको बोलते हैं 1 ओम. और क्या किया है, यहाँ से गैल्वेनेटर कनेक्ट किया है और यहाँ से आपका दो बैटरी कनेक्ट किया है. यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे गैल्वेनेटर. इसको बोला ई, इसको भी बोला ई, इसको बोला 3 मीटर. और 3 मीटर कहाँ दिया है, इट्स इज एट अ लेंथ. ओके, तो 3 मीटर यहाँ से करो. मतलब ये जो वायर है यहाँ यहाँ का, ये हो गया आपका 5 मीटर का, उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम. 3 मीटर का रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या निकालना है, E. ओके, E1 by E2 is equal to L1 by L2. प्रब मतलब E1 L2 is equal to E2 L1. अभी वायर का पूरा लेंथ कितना है, कितना है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ आपका वायर का है 3 + 5 = 8 मीटर. आपको निकलना है, अगर 5 मीटर के लिए 5 ओम है तो 1 मीटर के लिए 1 ओम. सो 5 मीटर को कितना है, 5 ओम है, तो 3 मीटर को ऑफकोर्स कितना आएगा, 3 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 ओम. आपको चाहिए बैलेंसिंग में, बाकी कुछ नहीं. ये नहीं किया तो भी चलेगा. नाउ पहले क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट निकालते हैं. उन्होंने क्या दिया है वो देख के लेते हैं. एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 5 ओम आर जॉइंड इन सीरीज. ओके ओके, मतलब ये आपका, ये आपका टोटल वायर है वो. ओके, ये ऐसे है इसलिए मैं बोला ना, एक बार प्रॉब्लम ठीक से रीड करो. मतलब उन्होंने क्या दिया, ये टोटल है वो 5 ओम एंड 5 मीटर है और बैलेंस पॉइंट कितना है आपका, 3 मीटर का है. बैलेंस पॉइंट आ रहा है 3 मीटर का. तो क्या बोल रहे हैं, अभी आर जॉइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू सेल ऑफ 10 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम. A parallel combination of two identical cells is balanced across 3 meter of the wire. The EMF of each cell is. तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, EE का E by 2 आएगा. आएगा क्या, पैरेलल में क्या है ना, ये E आएगा. क्या मालूम है आपको,
अगर दो सेल है वो पैरेलल में कनेक्ट किया, उनको वो इक्वल है, इक्वल है, तो उनका ईएमएफ आपको कितना लेना है, जितना एक का वैल्यू है, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ वन, दैट ओनली विल बी द ईएमएफ। तो इसको ई ले लो, आपका एल कितना हुआ 3 मीटर, ओके। नाउ इधर में आपको यहाँ से अभी दिखाता हूँ, ठीक से देखो, आराम से देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, क्योंकि यहाँ से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। जब जनरेटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तब यहाँ से करंट कितना जाएगा, ज़ीरो जाएगा। तो यहाँ से इस वायर को मैं कितना रिप्लेस करता हूँ, 5 ओम से रिप्लेस करता हूँ। इसको बोलता हूँ 4 ओम, इसको बोलता हूँ 1 ओम, इसको बोलता हूँ 10 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पे ये पूरा 5 ओम है ना, पूरा अगर 5 ओम है तो ये 3 मीटर के लिए कितना बनेगा, 3 ओम बनेगा ना बेटा। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब पूरा मिला के वो 5 ओम ही हो जाएगा। इसको बोलता हूँ 3 ओम, इसको बोलता हूँ 2 ओम, बोला कि 5 ओम 5 मीटर है ना, तो 3 मीटर 2 मीटर, मतलब 3 ओम 2 ओम। तो यहाँ से आई निकलेगा, यहाँ से आपका आई डैश आएगा, ज़ीरो आएगा ना बेटा, यहाँ से जो आई डैश आपका आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी ये मेरे को पोटेंशियल निकालना है, ये कितना आएगा, उसको ले लेंगे हम वी, उसको ले लेंगे हम वी। तो देखो अभी पूरा, अभी आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट ये 4, ये सब सीरीज में है, अभी कोई भी पैरेलल में नहीं, इसको पैरेलल में ले लेगा। 4 + 1 = 5, 5 + 5 = 10, 10 ओम मिला आपको आर इक्विवेलेंट। अगर आर इक्विवेलेंट 10 ओम है तो आई कितना मिलेगा, वी 10/10, मतलब 1 एम्पियर मिलेगा। तो अगर इसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो V कितना मिलेगा, ये V मिलेगा आपको I × 3, I कितना है 1 × 3, मतलब 3 वोल्ट मिल जाएगा। तो मेरे को V मिल गया 3 वोल्ट, L कितना 3 मीटर, और V मिल गया 3 वोल्ट। तो अभी आपको कुछ तो फॉर्मूला दिया था मैंने पोटेंशियोमीटर का, E/V = ρ × L1, वो फॉर्मूला आप यूज़ करो और आपका आंसर भी आ जाएगा, ओके। V/L समथिंग आता है ना आपका, V/L किया तो भी आएगा आपका 1 वोल्ट, कौन सा तो आने वाला चाहिए, E/V, एक मिनट ना, इधर आपको आएगा ये 3 है, तो I/E/V कौन सा, तो हम आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, R नहीं, R का नहीं दिया था, V/L, नहीं तो एक काम करो, एक ऐसे बना सकते हो V/L, तो V कितना मिला आपको, IR मिला, सो 3/, ये टोटल कितना है 5 है, × 3, तो 3×9/5 मिल गया आपको, ये 3 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 3 वोल्ट आ रहा है क्या, तो देखता हूँ मैं इसको, आई विल चेक दिस आंसर एंड आई विल गिव यू, ओके। राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग, बट आई विल चेक दैट आंसर एंड आई विल गिव यू द आंसर, ओके, नो प्रॉब्लम। एट द टाइम ऑफ लेक्चर आई विल सेंड दैट इट्स सॉल्यूशन, आई विल सेंड ऑन यू, सेंड ऑन योर व्हाट्सएप नंबर इफ़ यू विल आस्क मी, और ऑन ग्रुप आई विल सेंड, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी जाते हैं आगे वाले प्रॉब्लम के लिए, आगे वाला प्रॉब्लम है 170।
ये सिंपल है एकदम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ठीक से सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे वैल्यू में। अगर वैल्यू में गड़बड़ नहीं है तो मैं सॉल्व करता हूँ, अभी पॉसिबल नहीं है, पहले सॉल्व करता हूँ अभी, और आपको भेज देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 117 PDF। इसमें क्या है, बैटरी ई इज बैलेंस्ड ऑन 55 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 मीटर। बैटरी ई इज बैलेंस्ड ऑन 55 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 55 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी देन इट बैलेंसेस ऑन 50। सो राइट नाउ इट इज 55 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको देखना है L1 लेने का है 55 सेंटीमीटर, और व्हेन इसको कनेक्ट किया, शंटेड किया R से, तो R कितना दिया आपको, R उन्होंने दिया है व्हेन इट इज ओके R 10 दिया है, R दिया है 10 ओम। ओके उस टाइम ये L2 कितना आता है 50 सेंटीमीटर। अभी इतना दिया तो आपको करने के लिए आना चाहिए, मेरे ख्याल से इतना अगर दिया है आपको तो आपको करने के लिए आना चाहिए। तो R कितना आता है, R इज इक्वल टू, और क्या क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है शायद, लेट मी चेक क्या पूछा है आपको, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी पूछा है, ठीक है कर लेते हैं। तो R का फॉर्मूला क्या आएगा, ये E दिया है R, ये दो डायग्राम बन जाएगा आपका। ओके R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो L1 कितना बन जाएगा आपका 55 अपॉन L2 कितना बन जाएगा 50 माइनस 1 इंटू 10 बन जाएगा, ये सीधा कैलकुलेशन है। तो इतना कितना बन जाएगा, ये 11 फाइव 55 10 माइनस 1 इंटू 10, सो 11 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 1 बाय 10 इंटू 10, सो 1 R इज 1 ओम। इन दिस वे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी विल कम आउट टू बी 1 ओम। सो दिस ऑल वेयर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, यू मे नोट डाउन दिस, और वो वाला प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ। सो इफ यू सी नोटिस दैट ऑल द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी they were all about your resistance meter bridge, potentiometer, drift velocity combinations। ये तो हो गया बेटा, इसके साथ और एक आता है जो मैंने आपको अभी एग्जाम को उसमें से नहीं आया था आपको क्वेश्चन, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल वगैरह आपको मैंने बताया है, बराबर है। तो अभी तो आपको मैं इंट्रोडक्शन दे के रखता हूँ गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या होता है और एमीटर वोल्टमीटर में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली दिस इज द टॉपिक नेक्स्ट इन योर मैग्नेट, व्हेन यू विल स्टडी मैग्नेट एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो आपको मैं खाली गैल्वेनोमीटर कैसे होता है बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है जी, ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ऐसा एक स्केल होता है, यहाँ पे आपका जीरो होता है, यहाँ पे 30 30, तो इसमें सो हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन आइदर साइड कितना हो जाएगा 30, मतलब यहाँ से 0 to 30, यहाँ से 0 to 30। सो इट कैन मेजर करंट इन द बोथ फेज।
तो यहाँ पे जो पॉइंटर रहता है, यहाँ पे जो पॉइंटर रहता है, यहाँ से पाइवोट किया होता है और उसको दो मैग्नेट के बीच में फंसाते हैं। तो ये आपको आएगा कंसेप्ट व्हेन आई विल एक्सप्लेन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर आपका बनता है। सो ये जो असेंबली है तो इसका और ये इसका ये हो जाता है। तो अभी इसमें से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड, मीन्स करंट इज हैविंग ना, करंट विल बी पास टू द कॉइल लाइक दिस। सो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड हियर एंड दिस ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ड्यू टू विच इट विल गेट डिफ्लेक्टेड एंड इन दिस वे द गैल्वेनेटर वर्क्स। ये आपको मैंने जब हम मैग्नेट पढ़ाएंगे उस टाइम पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे ही बता के रखा, ऐसे नहीं होना चाहिए सर ने बताया नहीं, ऐसा ठीक है उसके लिए मैंने बताया। इस तरह गैल्वेनेटर वर्क करता है, दोनों भी साइड पे वो वर्क करता है। अभी इसका टेंशन मत ले लो, अभी आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एमीटर मतलब करंट के लिए, वोल्टमीटर मतलब वोल्टेज के लिए हम उसको मेजर करते हैं। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको जो हीट प्रोड्यूस है, सपोज क्या होता है, ये आर है, यहाँ से करंट आई जा रहा है बराबर, ये आपका रेजिस्टर है, सपोज रेजिस्टर है, कॉइल है, बल्ब है, कुछ भी है, यहाँ से करंट आपका आई जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है आर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वी है। तो क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स लॉस्ट। हाउ इट गेट्स लॉस्ट, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो जो हम इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से इसमें करंट जाता है। ड्यू टू द करंट व्हाट हैपेंस, वॉट एवर द एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उसको आपको निकालने का ज़रूरत है, हीट को निकालने का आपको जरूरत। वो हीट कैसे आता है, नाउ विल ट्राई टू गेट द आइडिया अबाउट दैट हीट। तो उसके लिए हमने 10th में जो प्रॉब्लम पढ़ा था उसमें तीन फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे हीट आपका होगा एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, पावर इनटू टाइम बराबर, बिकॉज पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क मतलब आपको मालूम है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, टाइम इन वन बाई टाइम इंटू टाइम कैंसिल हो जाएगा, वर्क बच जाएगा आपका हीट, वर्क एनर्जी बोथ आर सेम। तो यहाँ पे पावर कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर वी इंटू आई लिखते हैं उसको, और टाइम को टी लिखते हैं। सो आपके क्लास 10 में हुआ है, क्लास 10 में आपको तीन फॉर्मूला दिया है, क्या क्या दिया है, एच इज इक्वल टू वी आई टी नंबर वन, सेकंड कौन सा दिया है, इसको ही वी इज इक्वल टू आई आर लिखा तो एच मिलता है आई स्क्वेयर आर टी। थर्ड वन, इस एग्जाम को इसके ऊपर नहीं पूछा था क्वेश्चन, क्योंकि ये सिखाया नहीं था इसलिए नहीं डाला था, एकदम सिंपल एक छोटा सा था पार्ट, एच इज इक्वल टू अभी आई को डालो वी अपॉन आर, सो वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, वी स्क्वेयर टी अपॉन आर। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट, इसको जूल हीटिंग भी बोलते हैं, इसको भी इसको ही बोलते हैं जूल हीटिंग भी बोल सकते, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर ज़्यादा आपको ये नहीं आएगा, किसी भी एक सर्किट में दे देंगे आपको, ये दो है, यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट का बैटरी दिया, ये 5 ओम दिया है, 3 ओम एंड दे बोले कैलकुलेट हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टर। तो अभी क्या करने का है, इसमें आपको कितना हीट जनरेट हुआ निकालना है। तो इसका इसमें से करंट निकालना पड़ेगा,
इसमें से करंट निकल रहे आई होगा और इसका वी वन, इसका आएगा वी टू। तो इसका वोल्टेज कितना ले लेंगे आप, वी वन, करंट कितना ले लेंगे आई, सेम आएगा, और टाइम इन टू सेकंड, सो टी इज इक्वल टू टू सेकंड। तो यहाँ पे हम कोई अप्लाई कर सकते हैं, आई कैसे निकालेंगे, आई विल बी वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है आपका 2 वोल्ट, ये बन जाएगा 2, आर इक्विवेलेंट 5 प्लस 3 8, सो 1/4, आई कितना बन गया 1/4 एम्पियर। सो एच कितना मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी, सो 1/4 इंटू 1/4 इंटू आर कितना बन गया आपका 5 इंटू 2, 2 × 4, 4 × 8, 5/8 जूल। तो ये बन गया हीट। इस तरह इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसको नोट डाउन करो, ओके। सो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम ले लेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये भी सिंपल है, ये आपने लिख लिया आपने अपने पास, ये तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। नो लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो मैं ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यही हमने लीनियर एक्सपांशन में वगैरह हमने अल्फा बीटा वगैरह पढ़ाया था। तो डायरेक्टली बताता हूँ, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज रो एट टेम्परेचर टी, रो एट टेम्परेचर टी नॉट इनिशियल लेते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको बोलते हैं टी माइनस टी नॉट और टी नॉट माइनस टी, चेंज इन टेम्परेचर। ये सिंपल है, मतलब जैसे हमने निकाला था वैसे ही इधर वो आएगा आपका, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसको आप फटाफट ये कर दो, अपने पास नोट डाउन करके रखो। ओके, ये हो गया आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी अगर आपने निकाला टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्या बन जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समटाइम्स यू मे गेट द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं आज आपको क्या देने वाला हूँ, इस लेक्चर के साथ साथ आपको थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम भी देने वाला हूँ। तो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ये देखने के बाद आपको उसका भी प्रैक्टिस करना होगा। बाद में मैं आपको सब्जेक्टिव भी देने वाला हूँ, तो उस सब्जेक्टिव को भी आपको पढ़ना है, एंड बाय डूइंग दैट सब्जेक्टिव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर दिस टोटल टॉपिक। ओके, सो दैट ऑल वॉज अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका ज़्यादा कुछ ये नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है। आप अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी अबाउट द प्रॉब्लम्स यू मे आस्क मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो इसके बाद जो मैं आपको शीट दे दूंगा उसका आपको प्रैक्टिस करना है। पहला शीट जो दिया है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था आपको। नाउ वॉट एवर द शीट नेक्स्ट शीट विल गेट दैट विल द प्रैक्टिस शीट। तो मैंने आज तक जो आपको शीट दिया है
So I will ask you to show me each and every homework done. जो आप लेक्चर देखते हो उसका भी नोटिंग कैसे आपने बनाया है इसमें आप थोड़ा सा देख लो. And if any problem is there, any query is there, don't hesitate to ask me. तो अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं. ओवरव्यू में आपको अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना है. एमसीक्यू तो हमने ले लिया लेकिन अभी टॉपिक खत्म होते होते आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम. तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बाजू में रखा है. तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम में इसको जो वेटेज है ये यूनिट वाइज वेटेज है. इसमें आपको क्या क्या आ सकता है. VSA इसमें बोलते हैं वेरी शॉर्ट. अभी तो इसमें ऑप्शनल भी आता है. ऑप्शनल मतलब MCQ भी आता है. फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है. मैच द कॉलम वगैरह अभी नहीं आता है. दैट कम्स इन द केमिस्ट. अपने के लिए क्या आता है वेरी शॉर्ट VSA वेरी शॉर्ट आंसर. उसमें MCQ आता है और फिल इन द ब्लैंक्स आता है. नहीं तो वन मार्क क्वेश्चन आता है. वन मार्क क्वेश्चन आता है. तो इसके लिए आपको क्या करना है. आपको चाहिए तो नोट डाउन करके लो. इसमें आपको क्या क्या करना है. ऑल डेफिनेशंस कितना है. ड्रिप वेलोसिटी करंट डेंसिटी मोबिलिटी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी वन एम्पियर वन वोल्ट ये सब डेफिनेशन आपको इसमें आता है. ऑल SI यूनिट्स हर टाइप के SI यूनिट यहाँ पे पूछे जाते हैं. ऑल डायमेंशंस भी आपको पूछते हैं. इसका डायमेंशन क्या है उसका डायमेंशन क्या है ये आपको आना चाहिए. आर गेटिंग माई पॉइंट. इसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑन कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस ये भी इसमें ही आता है. एक दो मार्क के लिए आ सकते हैं आपको प्रॉब्लम फॉर कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस. हो गया. प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ्स कौन सा. नंबर वन VI नंबर टू रोटी. तो रोटी तीन बनता है मैंने दिया है आपको. कोई कोई स्टूडेंट ने पूछा भी था रो वर्सेस टी कंडक्टर के लिए अलग बनता है रो वर्सेस टी इंसुलेटर के लिए अलग बनता है और रो वर्सेस टी सेमीकंडक्टर के लिए अलग बनता है. आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन भी था. तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर दे विल गिव यू फॉर कॉपर एल्यूमिनियम लाइक दैट. रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर इंसुलेटर दे विल गिव यू फॉर नाइक्रोम. एंड रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर दे विल गिव यू फॉर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन वगैरह जर्मेनियम सिलिकॉन ये ऐसे दे सकते हैं. सो दिस ऑल विल बी अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं. आई होप आपने ये सब लिखा हुआ है. नाउ शॉर्ट आंसर ऐसे इसमें क्या आता है. इसमें आता है टू मार्क्स का क्वेश्चन. इसमें आपको क्या पूछते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी मोबिलिटी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. मोबिलिटी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इसके ऊपर आपको एक एक दो दो मार्क का वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. ओके. तो ये जो सब है
ये आपको शॉर्ट आंसर के लिए आने वाले। अभी आपको 3 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको डेरिवेशन कौन कौन सा करना है, विच डेरिवेशंस, टू डू डेरिवेशन कौन कौन सा करना है ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहला डेरिवेशन आएगा वीडी, हाँ वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, इसका आएगा और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी और जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू जे कितना आएगा आई अपॉन जे आएगा एन ई वी डी, इसको बोलते हैं वी आई एम पी 5 स्टार। इसमें से डेरिवेशन आएगा ही आएगा, विच डेरिवेशन टू डू ये आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड कौन सा है, इसमें सेकंड में आपको एक और पार्ट आएगा, वो आएगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जो हमने जो केसेस वगैरह पढ़ा था तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रिलेशन उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तीसरी बात में सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इसका भी आपको डेरिवेशन करना पड़ता है। सो 1, 2, 3, 4 ये 5 ये डेरिवेशन आपको ध्यान में रखने होंगे। और एक है वो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं आपका ले लूँगा, वो तो आपका हो जाएगा, वो इतना कुछ नहीं है। ये जो मैंने रो वर्सेस टी का बताया था दैट ऑल विल कम अंडर लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ एंड ऑल। तो ये पूरा करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना सब आपको पढ़ना होगा। 7 से 8 मार्क के लिए इट विल कम फॉर 7 to 8 मैक्सिमम। सो आई होप आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये अभी चैप्टर 3 इसका मिला के यू कैन अर्न गुड मार्क्स एज वेल एज सॉल्विंग द MCQs। देर ऑल्सो यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस फॉर 3 टॉपिक्स and from tomorrow we will start with our next topic that is moving charges and magnetism. So if you are having any doubt, any query, feel free to ask me on my WhatsApp number. Kaun sa bhi doubt hai to pooch lo. Happy learning, best of luck, thank you.